नमस्कार, रिपोर्टर पोस्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं प्रियंका तिवारी। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने कल 2 साल की सजा सुनाई थी मानहानि मामले में। इसके बाद 24 घंटे के अंदर उनके संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। इसको लेकर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है। तेज प्रताप ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, साथ ही अन्य विधायकों ने बिहार के क्या कुछ कहा, सुनिए। अभिमान राय देख रहे हैं क्या मामला है। लगता है विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। उनके कमजोर करने से विपक्ष जो है, और जो अभी जिस तरीके से हम हाउस में बैठे हुए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दुखड़ा रो रहा था कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब वो अभी हैं तो वो कौन सा काम कर रहे हैं, तो पूरी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूरे तरीके से ये देख रही है कि किस तरीके से इनका व्यवहार है। सब लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी को सर आप बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे मतलब देखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पर जो नहीं देखिए कार्रवाई इससे अचूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ जिस तीव्रता से यह निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब यह सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा, अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अभी पूरे देश में लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, और देख रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो है सदस्यता रद्द कर दिया गया। ये पूरे तरह से सोची समझी साजिश के तहत जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया है, ताकि लगातार वो संसद में जो है आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और उससे भागने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वो नौजवानों की सवाल लेकर, गरीब गुरबों के आगे बढ़ गया, किसानों के सवाल लेकर जो है संसद में अडानी जो घोटाला किया है इलाज गरीबों का पैसा, उसको लेकर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता है राहुल गांधी जी, उससे भागना चाहता है। इसके चलते जो है देश को गुमराह करने के लिए ये साजिश के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द किया गया है। तो आपने देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद नेताओं और मंत्रियों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आपने सुना कि तमाम नेता और मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, और उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। नमस्कार।